ग्यारहवें का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसको डेल्टा मान लेते हैं। डेल्टा बराबर ए माइनस बी माइनस सी, टू बी टू सी टू ए, बी माइनस सी माइनस ए, टू सी टू ए टू बी और सी माइनस ए माइनस बी। अब हम इसको ठीक है, इसमें ये सब जोड़ देते हैं, आर वन आर टू आर थ्री सब एक साथ, क्या आता है डेल्टा बराबर देखिए, माइनस की भी है तो टू बी प्लस के हो जाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही सब जोड़ना है तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा और बाकी ये टू बी और बी माइनस सी माइनस सी टू बी और टू सी सी माइनस ए माइनस बी। अब देखिए हम ए प्लस बी प्लस सी आर वन से कॉमन ले लेते हैं तो वन 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 आएगा और टू बी और बी माइनस सी माइनस ए फिर से टू बी और टू सी और सी माइनस ए माइनस बी। अब देखिए हम सी वन से सी टू घटाएंगे और सी वन से सी थ्री और सी टू से सी थ्री घटा के इनको जीरो कर लेंगे तो डेल्टा बराबर ए प्लस बी प्लस सी और जीरो जीरो और टू सी माइनस सी प्लस ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी प्लस सी आ गया ना। ऐसे इसमें से जीरो, अब इसमें से ये घटाना है तो बी माइनस सी माइनस ए माइनस टू भी होगा ना, तो ये माइनस का बी रह जाएगा, एक तो धन का ये है तो ए प्लस बी प्लस सी रह जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ कर लेंगे और ऐसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ऐसे ही टू सी माइनस सी प्लस ए प्लस बी ये हो जाएगा, कुल मिलाकर के ए प्लस बी प्लस सी यहाँ जाएगा और वन टू बी और सी माइनस ए माइनस बी ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, ये देखिए हमने कॉमन ले लिया है ए प्लस बी प्लस सी सी वन और सी टू से, तो जीरो जीरो वन जीरो माइनस वन वन, यानी कि जीरो जीरो वन जीरो माइनस वन और फिर देख लेते हैं एक बार, जीरो जीरो वन जीरो माइनस वन वन और वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी, वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी। बस आर वन के अकॉर्डिंग प्रसरण कर दीजिए तो डेल्टा बराबर ए प्लस बी प्लस सी की पावर तीन जीरो माइनस जीरो प्लस वन, इसकी रो कॉलम छुपाएंगे, जीरो माइनस माइनस वन यानी जीरो प्लस वन और दिस इज अवर आंसर, ये वन हो गया है। इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की पावर तीन, दिस इज अवर आंसर।